हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आए ओम साई बाबा मोटर्स, जहाँ पे आपको यूज्ड कार का स्टॉक मिलेगा। तो बेसिकली ये वीडियो में आपको यहाँ के 5 सीटर कार का स्टॉक बताऊंगा। 5 सीटर में आप 1 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट पे करके आप कौन सी कार परचेस कर सकते हो वो कार मैं आपको बताऊंगा। कोई कोई कार पे 1 लाख रुपीज़ से थोड़ा कम डाउन पेमेंट हो जाएगा, कोई कार पे 1 लाख रुपीज़ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। डिटेल्स आपको डीलरशिप बता देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर तो बस आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने का जो बाजू का जो बेल आइकन है वो भी अच्छे दबा के रखना, ताकि मैं जब कभी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले अपडेट आपको जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं जो कार के प्राइस बता रहा हूं, फाइनल प्राइस होता है, गाइस ऐसा नहीं है। आपको डीलरशिप को कॉल करना है या फिर आप डायरेक्टली डीलरशिप पर विजिट करके उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग नेगोशिएशन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी, आप मेरे को यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो भाई चले देखते हैं यहाँ के यूज कार का कलेक्शन। आप लोगों के लिए उल्लासनगर में जाके वीडियो बनाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में को ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि उल्लासनगर के डीलर का प्राइस कम है या ज़्यादा है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप मारुति सुजुकी एर्टिगा पे एक वीडियो बनाओ, तो नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा अगर किसी और की कुछ और रिक्वायरमेंट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को डीलरशिप से और अच्छे से अच्छा डिस्काउंट दिला सकूं। ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टोटल 10 स्टॉक की डिटेल्स बताऊँगा, सो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए ताकि आप कोई भी स्टॉक मिस ना कर पाए। दिस वन इज़ मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 2012 का मॉडल है ये, वेरिएंट पेट्रोल, सिंगल ओनर, 14,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करें 3,50,000। जितने भी कार्स मैं आपको बताऊंगा सब कार्स आप 1 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट पे करके आप परचेस कर सकते हो, कोई कार पे 1 लाख रुपीज़ से थोड़ा कम हो जाएगा। डिटेल्स आपको डीलरशिप बता देंगे। दिस वन इज मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 2013 का मॉडल है ये, पेट्रोल, 50,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, सिंगल ओनर, और प्राइस कोट करे 3,75,000। दिस वन इज शेवरलेट क्रूज, 2012 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर, वेरिएंट डीजल, 68,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 4 लाख। दिस वन इज होंडा सिटी, 2014 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर, वेरिएंट डीजल, 70,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 6,75,000।
दिस वन इज़ फोर्ड फीगो, सिंगल ओनर, 2016 का मॉडल है ये, वेरिएंट डीजल, 25,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 5 लाख। दिस वन इज मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, वेरिएंट डीजल, 2015 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर, 80,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 5,25,000। दिस वन इज़ Hyundai i10, 2012 का मॉडल है ये, ऑटोमेटिक, वेरिएंट पेट्रोल एंड CNG, सेकेंड ओनर, 52,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 2,80,000। दिस वन इज Hyundai i20, 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर, 50,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, वेरिएंट डीजल और प्राइस कोट करे 5,50,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी वैगनार, सिंगल ओनर, वेरिएंट पेट्रोल एंड CNG, 2015 का मॉडल है ये, 70,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 3,25,000। दिस वन इज मारुति सुजुकी रिट्ज, वेरिएंट डीजल, 2012 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर, 70,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 2,75,000। जितने भी कार्स मैं आपको बताया हूँ, सब कार्स के प्राइस निगोशिएबल है। आपको डीलरशिप को कॉल करना है या फिर आप डायरेक्टली डीलरशिप पे विजिट करके उस कार के प्राइस के रिगार्डिंग निगोशिएशन कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को डीलरशिप से और अच्छे से अच्छा डिस्काउंट दिला सकूँ। तो गाइस यही था ओम साई बाबा मोटर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तो अगर किसी को कोई भी यूज्ड कार परचेस करनी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करके आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओम साई बाबा मोटर्स में कार परचेस करने का बेनिफिट ये है कि आपको ऐसे RTO का प्रोसेस, इंश्योरेंस का प्रोसेस और जो कुछ प्रोसेस ज़रूरत है जो कार परचेस करने के बाद होते हैं वो सब आपको यहीं पर करा के मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ गिव वीडियो लाइक। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे
ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप मेरे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो भाई चलो फिर मिलते हैं कोई नौ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। We'll be right back.